नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कर्नाटक में 27 मई को 24 विधायक मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पार्टी नेतृत्व की बैठक में मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। सोनिया और राहुल इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। 20 मई को सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे सहित 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने बस इतना कहा, समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं? इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है? इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस ली। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने कहा, काफ़ी देर तक बहस करने के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, मिस्टर एसजी, आपको कोई समस्या? इस पर एसजी मेहता ने कहा, याचिका वापस लेने का मतलब है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और बहस करेंगे। अदालत को कहना चाहिए कि इन मामलों में बहस ही नहीं करनी है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस ली। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। सुकीन ने गुरुवार को ये याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। मामले में लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पार्टी बनाया जाए। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगातार विरोध के बाद भी ईरान ने कहा कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को विकसित करता रहेगा। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद दरेजा अश्तियानी ने कहा कि ये हमारे दुश्मनों के लिए संदेश है कि हम हर हाल में अपनी रक्षा करेंगे। वहीं हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी IRNA ने बताया कि खैबर नाम की ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। देश की बैंकिंग व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। अब सप्ताह में 5 दिन ही बैंक खुले रहेंगे। 5-day week लागू होने के बाद देश के तमाम बैंक शनिवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब तक सिर्फ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद होते थे। 5-day week होने से जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो बैंकिंग आवर्स में होगा। बैंक संघों का मानना है कि महीने के 2 शनिवार कम होने से लगभग 13 घंटे की बैंकिंग प्रभावित होगी। इसकी भरपाई के लिए बैंक कर्मियों को रोज 40 मिनट ज़्यादा काम करना होगा। बैंकों की अपडेटेड टाइमिंग फिलहाल तय होना है, मगर बैंक एसोसिएशन की ओर से जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार सुबह के समय 10 मिनट और शाम के समय 30 मिनट की बढ़ोतरी के साथ बैंकिंग आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसे सोमवार से शुक्रवार 5 दिन कस्टमर को ट्रांजेक्शन के लिए हर रोज 40 मिनट अतिरिक्त बढ़ेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।